स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता से सेवा अभियान की रानी तालाब परिसर से हुई शुरुआत। स्वच्छता से सेवा अभियान की शुरुआत शनिवार से रानी तालाब परिसर से हो गई, जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्र सहित सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। यह अभियान वृहद रूप में चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी और स्वच्छता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही स्वच्छता को लेकर प्रतियोगिता भी आयोजित कराई जाएगी। इन सब के पीछे उद्देश्य यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, अपने आसपास गंदगी ना करें। जब हम अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ रखेंगे, तभी तो हम अपने देश, अपने शहर को स्वच्छ और क्लीन बना सकेंगे। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। तैयार है कि नहीं है? दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए भारत माता की जय।